हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का एकदम बेसिक से। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जो भी आगे के क्लासेज होगा फर्दर हम लोग इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे। एक हम लोग टाइम बैठा लेंगे और इसी टाइम पे हम लोग अपना क्लास रिसीव करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश का थोड़ा सा बेसिक एकदम जानते हैं कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इंग्लिश किस किस माध्यम से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, ये सब आज हम लोग बेसिक जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर हम लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत है क्यों है, इंग्लिश है क्या। ठीक है, तो इंग्लिश जो है, ठीक है, सबसे पहले बात की जाए इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश का मीनिंग तो सर लगभग सब लोग को आता ही होगा। ठीक है, यदि हम लोग इसका हिंदी वर्जन करें, ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश दो टाइप में लिखते हैं। एक हमारा ये इंग्लिश हुआ और ये दूसरा हमारा ये इंग्लिश हुआ। ठीक है, बस दोनों है सेम, बट अंतर एक चीज़ का है जो कि है क्या, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लेटर और हिंदी में बोलते हैं अक्षर। ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग तो सेम है, यहाँ से इंग्लिश यहाँ तक, इंग्लिश तक, और इसका भी इंग्लिश सेम है, लेकिन अंतर किस चीज़ का है, तो लास्ट वाले लेटर का। ठीक है, यहाँ पे आपका तलब्बिस है और यहाँ पे आपका डंटिस है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो इंग्लिश जो है वो उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यदि हम लोग हिंदी में बोले तो उसको हम लोग ये वाला इंग्लिश बोलते हैं, ना कि ये वाला इंग्लिश। ठीक है, इस इंग्लिश का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ENGLIS, चूँकि एस से स होता है और एस से क्या होता है, तलब्बिस होता है, तो इस कारण से इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला इंग्लिश बोलेंगे, ना कि ये वाला इंग्लिश। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब बात आती है कि इंग्लिश की ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ी। ठीक है, इंग्लिश है क्या, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, या प्राचीन से ही चला आता रहा है। ठीक है, कि हमारा जो थॉट है या जो हमारा सोच होता है, हम किसी न किसी चीज़ को वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने भावना को अपने अंदर या अपने मन में समाये हुए नहीं रखते, उसको हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने जितने भी थॉट्स हैं, हमारे जितने भी विचार हैं, उनको व्यक्त करने का एक माध्यम, एक तरीका है। ठीक है, और उसी तरीकों को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लैंग्वेज। इस चीज़ को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाषा, ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज है क्या, तो लैंग्वेज बस हमारे इमोशंस, ठीक है, हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने का एक माध्यम, एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, किसी से हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, या तो वो हो गया हम, या तो हम लिख के बात करें, या तो हम सोचें और सामने किसी के सामने बोलें। ठीक है, तो जस्ट ये क्या है, माध्यम है अपने विचारों, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का। ठीक है, तो वैसे तो लैंग्वेज बहुत सारा हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, स्पेनिश होता है, अमेरिकन होता है। ठीक है, तो ठीक है, भाषा तो बहुत टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग अपने देश इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और भारत हमारा जन्मस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमनली दो लैंग्वेज बोलते हैं, एक हम लोग बोलते हैं हिंदी और दूसरा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है लोगों को, तो दिक्कत आती है लोगों को इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश कुछ खास ऐसा लैंग्वेज है ना कि जिसको हम लोग सीख नहीं सकते, चाहे तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जैसे हम लोगों की हिंदी हमारी चूँकि शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से हम लोग सुनते हैं, तो इस कारण से हम लोगों को हिंदी की आदत है, लेकिन हम लोग को इंग्लिश की आदत क्यों नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग शुरू से सुने नहीं, यदि सुने भी है तो उस चीज़ को हम लोग खुद से अप्लाई नहीं किया अपने आप पर बोलने का, या उसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज बनाकर किसी दूसरे के सामने हम बोलने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का हम लोग कभी कोशिश ही नहीं किया, तो इस कारण से इंग्लिश में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, और इसी दिक्कत को पूरा तरीके से तो नहीं, लेकिन कोशिश करें, ठीक है, कि जितना भी हमारे पास कैपेबिलिटी है आपको समझाने का या आपको अपने थॉट्स को व्यक्त करने का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका इंग्लिश बेटर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग का टॉपिक क्या था, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब यदि इंग्लिश की बात की जाए, ठीक है, तो इंग्लिश के बाद हम लोगों ने जाना क्या, जाना कि इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश एक टाइप का लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का मतलब सीधा से आधा मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है,
जिसको हम लोग बोलते हैं संचार, ठीक है। और कम्युनिकेशन करने बस लैंग्वेज एक क्या है, एक मीडियम है जिसके कारण हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। तो लैंग्वेज है क्या, तो लैंग्वेज एक टाइप का माध्यम है या एक मीडियम है जिसके कारण हम लोग औरों से या किसी से भी हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कि किसी से कम्युनिकेट करने का काम लोग करते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। फीलिंग हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, या कोई भी सिंपल हम लोग बात भी करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे या कोई मैटर पे, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, ठीक है। अब लैंग्वेज तो हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हम लोग पहले हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज के लिए हमको दो चीज़ चाहिए होता है, एक चाहिए होता है प्रोनाउंसिएशन, इसको यदि हम लोग हिंदी में बोलें तो इसको हम लोग उच्चारण बोलते हैं, और इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है एक्सेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोली बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन और ये क्या बोलते हैं, कोई भी भाषा को यदि हमको बोलना होता है तो उसका दो चीज़ बहुत बेसिक एकदम ज़रूरत कन्फर्म चाहिए, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, प्लस जो आपका पैटर्न है या जो आपका जो भी आपके थॉट्स हैं, ठीक है, उनको बोलने का तरीका कि हम लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई भी भाषा को बोलने के लिए, ठीक है। अब एक्सेंट की बात की जाए, देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश चाहे कोई भी देश का हो, अमेरिका का हो, स्पेनिश का हो, ब्रिटेन का हो, ठीक है, कोई भी देश का हो, सब इंग्लिश बोलता है, लेकिन सब का एक्सेंट जो होता है, ठीक है, वो या हम लोग कहें प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सब का अलग अलग होता है, ठीक है। अमेरिका वाला अमेरिकन एक्सेंट बोलता है, ब्रिटेन वाला ब्रिटिश एक्सेंट बोलता है, और हम लोग चूँकि हम लोग तो शुरू से ही, ठीक है, करीबन 1600 से ही हम लोग 1600 के बाद से 1947 तक हम लोग अंग्रेज़ के गुलाम रहे हैं, तो हम लोग कॉमनली इंग्लिश में कौन सा एक्सेंट फॉलो करते हैं, तो हम लोग एक्सेंट फॉलो करते हैं ब्रिटिश, ठीक है, या सिंपली हम लोग इसको अंग्रेज बोलते हैं, इसी अंग्रेज से हम लोग अंग्रेजी को जानते हैं, ठीक है। चूँकि ब्रिटिश है, ब्रिटिश को हम लोग हिंदी में अंग्रेज बोलते हैं, और चूँकि अंग्रेज जो भाषा हम पूरे थोप के गए हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी तो माध्यम बन गया, ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि अलग अलग टाइप के एक्सेंट्स होते हैं, स्पेन होगा तो वो बोलेगा स्पेनिश, यदि ब्रिटेन का होगा तो वो बोलेगा ब्रिटिश, यदि अमेरिका का होगा तो बोलेगा अमेरिकन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सेंट हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के बोलियां हैं, लेकिन बोल तो एक्चुअली क्या रहा है, वो तो बोल रहा है इंग्लिश, ठीक है, और हम लोग फॉलो करते हैं कौन सा इंग्लिश या कौन सा एक्सेंट, तो ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है, यही चीज़ हमको समझ में आता है, ठीक है। यदि और कोई एक्स्ट्रा यदि हमको एक्सेंट सिखाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सीख नहीं सकते, ज़रूर सीख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे जो विजिटर आते हैं, यानी कि पर्यटक जो आते हैं हमारे देश में घूमने फिरने के लिए, ठीक है, तो उनको एक गाइड चाहिए होता है, ठीक है। अब जो गाइड होता है, ठीक है, अब गाइड को वो लैंग्वेज आएगा तब ना वो उनको घुमाएगा या उनको विजिटिंग करवाएगा जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है कि वे लोग, ठीक है, बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनके वो उनको सुनते, ठीक है, या जो भी नॉलेज होता है या जो भी ज्ञान होता है वो उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे ज्ञान सीखते हैं, या उनके एक्सेंट को वो फॉलो करते हैं, और उसी एक्सेंट को पकड़ कर फिर वो लोग विजिटर को क्या करते हैं, एज अ गाइड घुमाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वैसा करने के लिए तो हम लोग भी सीख सकते हैं, ऐसे बात थोड़ी कि हम लोग नहीं सीख सकते, ज़रूर सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है कि सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सीखे तो कि इंग्लिश है क्या, उसके बाद हम लोग फिर अपना अलग एक्सेंट चुनेंगे, ठीक है, अमेरिकन हो, स्पेनिश या जो चीज़ करना हो, लेकिन सबसे बेसिक तो हमारा है क्या कि इंग्लिश है, ठीक है, कि इंग्लिश हम लोग सीखे कैसे, इंग्लिश हम लोग जाने कैसे, ठीक है। दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि आखिर हम लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत है क्यों,
ठीक है, तो हमारे दिमाग में जरूर क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को इंग्लिश की आखिर ज़रूरत है क्यों, जब हम लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि पहले के लोग जो भी पंडित होते थे या जो भी विद्वान होते थे, ठीक है, वो लोग कॉमन रूप में क्या, कौन सी भाषा का यूज करते थे, मेनली संस्कृत, ठीक है। उसके अलावा हमारे देश में और भी भाषाएं विख्यात थीं, जैसे तमिल हो गया, ठीक है, तेलुगु हो गया, ठीक है, देवनागरी हो गया, जिसको हम लोग वर्तमान में हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइप बहुत अलग अलग भाषाएं थीं, ठीक है। इसके अलावा उर्दू, फारसी, ठीक है, जब हम लोगों के पास अंग्रेज़ी नहीं था तब ये सब प्रमुख भाषाएं होती थी हमारे देश में, ठीक है, क्या करने के लिए, संचार करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। हम लोग जानते भी हैं कि बहुत सारे संस्कृत के विद्वान हुए हैं, तमिल के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक ग्रंथ अनेक साहित्य लिखे हैं। हमारा महाभारत जो है या जो रामायण है, वो सब टोटल किस में लिखा हुआ है, सब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, और उनके और जिनको ये लैंग्वेज नहीं आता था या जिनको लैंग्वेज नहीं आता था, उनको समझने के लिए उन्होंने ये लैंग्वेज सबसे पहले सीखा, ठीक है, उसका अर्थ जाना, और उसी चीज़ को उन्होंने क्या किया, विदेशियों ने अपने भाषा में उनको कंक्लूड किया, अपने भाषा में उसको चेंज किया, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि महाभारत, हम लोग जानते हैं ना, महाभारत संस्कृत भाषा में है, महाभारत जो है उसका लैंग्वेज मूल रूप में क्या है, संस्कृत, ठीक है। या रामायण जो है उसकी भी मूल भाषा संस्कृत है लिखने का, ठीक है, लेकिन विदेशियों ने आखिर इसके बारे में कैसे जाना, तो उन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा को सीखा, ठीक है, या जो जानते थे उनसे उनका अर्थ समझा, और उनसे अर्थ समझ के उन्होंने इसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद विदेशियों को इन प्रमुख ग्रंथों के बारे में मालूम चला कि रामायण भी कुछ है, इनमें कुछ बातें कही गई हैं, महाभारत भी कुछ है, इनमें कुछ बातें कही गई हैं। जैसे हम लोग सिंपली जानते हैं कि जितने भी साइंस के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, चाहे 9th का पढ़ो, चाहे 10th का पढ़ो, चाहे तुम बेसिक ही क्यों ना पढ़ो, उनका अधिकतर जो चीज़ है, ठीक है, वो हमारे वेद में लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप लोगों को वेद तो मालूम होगा कि ये हमारे मूलभूत धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, इनकी 4 शाखाएँ होती हैं, ठीक है, और उन्हीं 4 शाखाओं के अंतर्गत जितने भी हमारे विज्ञान के टॉपिक या जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ न कुछ सारांश या अधिकतर सारांश इन्हीं वेदों में सम्मिलित है, ठीक है। तो वैसे तो बात करने को की जाए तो बहुत ज़्यादा बात करने को हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर वही चीज़, हमारा जो मेन टॉपिक था कि हम लोग को इंग्लिश की ज़रूरत है क्यों, उस पर वापस आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश है क्या, तो सबसे पहले तो हमने जाना कि इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, ठीक है, एक भाषा है, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे ही हम लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश एक टाइप का कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है, और यह है क्या, तो आज के ज़माने में जो कि हम लोग अभी जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, और इसी 21वीं शताब्दी में बिना इंग्लिश के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मात्रा सब में चाहिए, ठीक। चूँकि आज का जो भी ऑफिशियल वर्क हो, चाहे छोटा मोटा वर्क भी हो, चाहे सिंपली हम लोग जॉब करते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जॉब में, सिंपली समझिए ना आप, जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे बच्चे वाली किताब होती है जिसको हम लोग गुड इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, वो भी टोटल कम्प्लीटली क्या होता है, इंग्लिश फॉर्म में होता है। उसका अर्थ हम लोग हिंदी में ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो भी इंग्लिश फॉर्म में होता है, और इंग्लिश चाहिए ही हमको, क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, हर एक जगह इंग्लिश है, ठीक है। आपको यदि जॉब चाहिए तो जॉब बिना इंग्लिश के नहीं हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश हमको ज़रूर चाहिए उस जॉब के सेक्शन में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ होती हैं जॉब में, ठीक है, जिनको हमको समझना पड़ता है, और समझने के लिए वो हमेशा हिंदी तो लिख के देगा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हमको, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ इंग्लिश चाहिए, ठीक है। अब इंग्लिश तो वैसे बहुत खंडों में बटा हुआ है, ठीक है, उसके छोटे छोटे खंड, उसको हम लोग छोटे छोटे खंड में बांटेंगे और फिर सीखेंगे बारी बारी से कि इंग्लिश है क्या और इंग्लिश के बाकी पोर्शंस भी हैं क्या।
अब देखिए कॉमनली हम लोग इंग्लिश को दो टाइप में भी बांट सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं लिटरेचर, और दूसरे चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रामर। लिटरेचर जिसको हिंदी में हम लोग साहित्य बोलते हैं, और ग्रामर जिसको हम लोग हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। यदि मूल रूप में देखा जाए तो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश जानने के लिए हमको इन दोनों चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। कॉमनली हम लोग लिटरेचर का यूज करते हैं कोई भी चीज़ लिखने में या बोलने में, यानी कि स्पीकिंग में या राइटिंग में। और ये स्पीकिंग या ये जो राइटिंग है, इंग्लिश लिखना या इंग्लिश बोलना, ठीक है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा या हम लोग कोई भी वर्ड का यूज कैसे करेंगे, ये सब टोटल बेस्ड है ग्रामर पे, ठीक है। यानी कि लिटरेचर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्रामर से। जब तक हमको ग्रामर नहीं आएगा तब तक हम लिटरेचर नहीं बोल पाएंगे या लिटरेचर नहीं जान पाएंगे। पढ़ने के लिए तो लिटरेचर कोई भी पढ़ सकता है, यदि वो ग्रामर नहीं पढ़ा तो भी वो लिटरेचर पढ़ सकता है। लेकिन यदि लिटरेचर को समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमको ग्रामर चाहिए। ग्रामर एकदम बेस है इंग्लिश बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश का जो भी बेसिक पढ़ेंगे, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रामर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किस पे फोकस करना है, ग्रामर पे। यदि हम लोग ग्रामर सीख जाते हैं, ग्रामर का हर एक चीज़ सीख जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग फिर लिटरेचर पढ़ना या लिटरेचर बोलना खुद से भी बोलना सीख जाएंगे, और अर्थ भी समझना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर की हमको बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे आगे के क्लासों में, ग्रामर सीखेंगे।